पदम प्राण में प्रस्थी भीषम जी से कहने लगे, महाबाहो सुनो, तालाब आदि की प्रतिष्ठा का जो विधान है उसका इतिहास पुराणों में इस प्रकार वर्णन है। उत्तरायण आने पर शुभ शुक्ल पक्ष में ब्राह्मण द्वारा कोई पितृ दिन निश्चित करा ले, उस दिन ब्राह्मणों का वरण करें और तालाब के समीप जहां कोई अपवित्र वस्तु ना हो चार हाथ लंबी और उतनी ही चौड़ी चकोर वेदी बनावे। वेदी सब और समतल और चारों दिशाओं में उसका मुख हो। फिर 16 हाथ का मंडप तैयार करावे जिसके चारों ओर एक एक दरवाजा हो। वेदी के सब और कुंडों का निर्माण करावे। कुंडों की संख्या 9, 7 या 5 होनी चाहिए। कुंडों की लंबाई चौड़ाई एक एक रत्नी की हो तथा वे सभी 3-3 मेखलाओं से शोभित हो। उनमें यथास्थान योनि और मुख भी बने होने चाहिए। योनि की लंबाई 1 बित्ता और चौड़ाई 6-7 उंगल की हो। मेखलाएं 3 पर ऊंची और 1 हाथ लंबी होनी चाहिए। वे चारों ओर से एक समान एक रंग की बनी हो। सबके समीप ध्वजा और पताकाएं लगाई जाएं। मंडप के चारों ओर क्रमशः पीपल गुल्लर पाकड़ और बरगद के शाखाओं के दरवाजे बनाए जाएं। वहां 8 होता 8 द्वारपाल और 8 जप करने वाले ब्राह्मणों का वरण किया जाए। वे सभी ब्राह्मण वेदों के पारगामी विद्वान होने चाहिए। सब प्रकार के शुभ लक्षणों से संपन्न मंत्रों के ज्ञाता जितेंद्रिय कुलीन शीलवान एवं श्रेष्ठ ब्राह्मणों को ही इस कार्य में नियुक्त करना चाहिए। प्रत्येक कुंड के पास कलश यज्ञ सामग्री निर्मल आसन और दिव्य एवं विस्तृत ताम्र पात्र प्रस्तुत रखें। तंत्र प्रत्येक देवता के लिए नाना प्रकार के बलि अर्थात दही अक्षत आदि उत्तम भक्ष्य पदार्थ इनको उपस्थित रखें। विद्वान आचार्य मंत्र पढ़कर उन सामग्रियों के द्वारा पृथ्वी पर सब देवताओं के लिए बलि समर्पण करें। अरत्नी के बराबर 1 योग अर्थात यज्ञ स्तंभ स्थापित किया जाए जो किसी दूध वाले वृक्ष की शाखा का बना हुआ हो। ऐश्वर्य चाहने वाले पुरुष को यजमान के शीर के बराबर ऊंचा योग स्थापित करना चाहिए। इसके बाद 25 ऋतिज्ञों का वरण करके उन्हें सोने के आभूषणों से विभूषित करें। सोने के बने कुंडल बाजूबंद कड़े अंगूठी पुत्री तथा नाना प्रकार के वस्त्र ये सभी आभूषण प्रत्येक ऋतु को बराबर बराबर दे और आचार्य को दुना अर्पण करें। इसके सिवा उन्हें शैया तथा अपने को प्रिय लगने वाली अन्य वस्तुएं भी प्रदान करें। सोने का बना हुआ कछुआ और मगर चांदी के मत्स्य और धुंधुब तांबे के केकड़ा और मेंढक तथा लोहे के 2 सूस बनवाकर सबको सोने के पात्र में रखें। इसके बाद यजमान विदग्ध ब्राह्मणों की बताई हुई विधि के अनुसार सर औषधि मिश्रित जल से स्नान करके श्वेत वस्त्र और श्वेत माला धारण करें। फिर श्वेत चंदन लगाकर पत्नी और पुत्र पोत्रों के साथ पश्चिम द्वार से यज्ञ मंडप में प्रवेश करें। उससे मांगलिक शब्द होने चाहिए और भैरी आदि बाजे बजने चाहिए। तंत्र विद्वान पुरुष 5 रंग के चूर्णों से मंडल बनावे और उसमें 16 अरस से युक्त चक्र चिन्हित करे। उसके गर्भ में कमल का आकार बनावे। चक्र देखने में सुंदर और चकोर हो। चारों ओर से गोल होने के साथ ही मध्य भाग में अधिक शोभायमान जान पड़ता हो। उस चक्र को वेदी के ऊपर स्थापित करके उसके चारों ओर प्रत्येक दिशा में मंत्र पाठ पूर्वक ग्रहों और लोकपालों की स्थापना करे। फिर मध्य भाग में वरुण संबंधी मंत्रों का उच्चारण करते हुए कलश स्थापित करें और उसी के ऊपर ब्रह्मा विष्णु शिव गणेश लक्ष्मी तथा पार्वती जी की स्थापना करें। इसके पश्चात संपूर्ण लोकों की शांति के लिए भूत समुदाय को स्थापित करें। इस प्रकार पुष्प चंदन और फलों के द्वारा सबकी स्थापना करके कलशों के भीतर पंचरत्न छोड़कर उन्हें वस्त्रों से आवेष्टित कर दे। फिर पुष्प और चंदन के द्वारा उन्हें अलंकृत करके द्वार रक्षा के लिए नियुक्त ब्राह्मणों से वेद पाठ करने के लिए कहे और स्वयं आचार्य का पूजन करे। पूर्व दिशा की ओर 2 ऋग्वेदी दक्षिण द्वार पर 2 यजुर्वेदी पश्चिम द्वार पर 2 साम्वेदी तथा उत्तर द्वार पर 2 अथर्ववेदी विद्वानों को रखना चाहिए।
यजमान मंडल के दक्षिण भाग में उत्तर की ओर मुख करके बैठे और द्वार रक्षक विद्वानों से कहे, आप लोग वेद पाठ करें, फिर यज्ञ कराने वाले आचार्य से कहे, आप यज्ञ प्रारंभ करावें, तत्पश्चात जप करने वाले ब्राह्मणों से कहे, आप लोग उत्तम मंत्र का जप करें। इस प्रकार सबको प्रेरित करके मंत्रज्ञ पुरुष अग्नि को प्रज्वलित करे तथा मंत्र पाठ पूर्वक घी और समिधाओं की आहुति दे। ऋतिज्ञों को भी वरण संबंधी मंत्रों द्वारा सब ओर से हवन करना चाहिए। ग्रहों के निमित्त विधिवत आहुति देकर उस यज्ञ क्रम में इंद्र, शिव, मरुदगण और लोकपालों के निमित्त भी विधिपूर्वक होम करें। पूर्व द्वार पर नियुक्त ऋग्वेदी ब्राह्मण शांति, रुद्र, पमान, सुमंगल तथा पुरुष संबंधी सूक्तों का पृथक पृथक जप करे। दक्षिण द्वार पर स्थित यजुर्वेदी विद्वान इंद्र, रुद्र, सोम, कुष्मांड, अग्नि तथा सूर्य संबंधी सूक्तों का जप करे। पश्चिम द्वार पर रहने वाले सामवेदी ब्राह्मण वैराज, साम, पुरुष सूक्त, सुपर्ण सूक्त, रुद्र संहिता, शिशु सूक्त, पंच निधन सूक्त, गायत्र साम, ज्येष्ठ साम, वाम देव्य साम, बृहित साम, रौरव साम, रथंतर साम, गोव्रत, विकीर्ण, रक्षोघ्न और यम संबंधी सामों का गान करें। उत्तर द्वार के अथर्वेदी विद्वान मन ही मन भगवान वरुण देव की शरण लेकर शांति और पुष्टि संबंधी मंत्रों का जप करें। इस प्रकार पहले दिन मंत्रों द्वारा देवताओं की स्थापना करके हाथी और घोड़ों के पैरों के नीचे की, जिस पर रथ चलता हो ऐसे सड़क की, बांबी की, दो नदियों के संगम की, गौशाला की तथा साक्षात गौओं के पैर के नीचे की मिट्टी लेकर कलशों में छोड़ दे। उसके बाद सर्वोष्टि, गोरोचन, सरसों के दाने, चंदन और गुग्गल भी छोड़े। फिर पंचगव्य, दही, दूध, घी, गोबर और गो मूत्र मिलाकर उन कलशों के जल से यजमान का विधि पूर्वक अभिषेक करे। अभिषेक के समय विद्वान पुरुष वेद मंत्रों का पाठ करते रहें। इस प्रकार शास्त्र विहित क्रम के द्वारा रात्रि व्यतीत करके निर्मल प्रभात का उदय होने पर हवन के अंत में ब्राह्मणों को 150, 36 अथवा 25 गौ दान करें। तंत्र शुद्ध एवं सुंदर लगन आने पर वेद पाठ, संगीत तथा नाना प्रकार के बाजों की मनोहर ध्वनि के साथ एक गौ को स्वर्ण से अलंकृत करके तालाब के जल में उतारे और उसे सामगान करने वाले ब्राह्मण को दान कर दे। तत्पश्चात पंचरत्नों से युक्त सोने का पात्र लेकर उसमें पूर्वोक्त मगर और मछली आदि को रखे और उसे किसी बड़ी नदी से मंगाए हुए जल से भर दे। फिर उस पात्र को दही अक्षत से विभूषित करके वेद और वेदांगों के विद्वान चार ब्राह्मण हाथ में पकड़ें और यजमान की प्रेरणा से उसे उत्तर की ओर मुख करके उलट कर तालाब के जल में डाल दें। इस प्रकार आपो, भयो इत्यादि मंत्र के द्वारा उसे जल में डालकर पुनः सब लोग यज्ञ मंडप में आ जाएं और यजमान सदस्यों की पूजा करके सब और देवताओं के उद्देश्य से बलि अर्पण करे। इसके बाद लगातार चार दिनों तक हवन होना चाहिए। चौथे दिन चतुर्थी कर्म करना उचित है, उसमें भी यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। चतुर्थी कर्म पूर्ण करके यज्ञ संबंधी जितने पात्र और सामग्री हो उन्हें ऋतिज्ञों में बराबर बांट देनी चाहिए। फिर मंडप को भी विभाजित करें। सन पात्र और शिया किसी ब्राह्मण को दान कर दें। इसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार 1,108, 50 अथवा 20 ब्राह्मणों को भोजन करावे। प्राणों में तालाब की प्रतिष्ठा के लिए यही विधि बताई गई है। कुआं, बावली और पुष्करणी के लिए भी यही विधि है। देवताओं की प्रतिष्ठा में भी ऐसा ही विधान समझना चाहिए। मंत्रों और बगीचों आदि के प्रतिष्ठा कार्य में केवल मंत्रों का ही भेद होता है। विधि विधान प्राय एक से ही हैं। उपयुक्त विधि का यदि पूर्णता पालन करने की शक्ति ना हो तो आधे व्यय से ही ये कार्य संपन्न हो सकता है। ये बात ब्रह्मा जी ने कही है। जिस पोखरे में केवल वर्षा काल में ही जल रहता है वह 100 अग्निष्टम यज्ञों के बराबर फल देने वाला होता है। जिसमें शरद काल तक जल रहता हो उसका भी यही फल होता है। हेमंत और शिशिर काल तक रहने वाला जल क्रमशः वाजपेय और अतिरात्र नामक यज्ञ का फल देता है। वसंत काल तक टिकने वाले जल को अश्वमेघ यज्ञ के समान फलदायक बतलाया गया है तथा जो जल ग्रीष्म काल तक मौजूद रहता है वह रासु यज्ञ से भी अधिक
फल देने वाला होता है। महाराज, जो मनुष्य पृथ्वी पर इन विशेष धर्मों का पालन करता है, विधि पूर्वक कुआ, बावली, पोखरा आदि खुदवाता है तथा मंदिर, बगीचा आदि बनवाता है, वे शुद्ध चित्त होकर ब्रह्मा जी के लोक में जाता है और वहां अनेक कल्पों तक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। दो प्रार्थ अर्थात ब्रह्मा जी की आयु तक वहां का सुख भोगने के पश्चात ब्रह्मा जी के साथ ही योग बल से श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। पदम प्राण के सृष्टि खंड में विषम जी ने कहा, ब्राह्मण, अब आप मुझे विस्तार के साथ वृक्ष लगाने की यथार्थ विधि बतलाइए। विद्वानों को किस विधि से वृक्ष लगाने चाहिए? तो प्लस जी बोले, राजन, बगीचे में वृक्षों के लगाने की विधि मैं तुम्हें बताता हूँ। तालाब की प्रतिष्ठा के विषय में जो विधान बताया गया है उसी के समान सारी विधि पूर्ण करके वृक्ष के पौधों को सर्व औषधि मिश्रित जल से सींचे, फिर उनके ऊपर दही और अक्षत छोड़े, उसके बाद उन्हें पुष्प मालाओं से अलंकृत करके वस्त्र में लपेट दे। वहाँ गुग्गल का धूप देना श्रेष्ठ माना गया है। वृक्षों को पृथक पृथक ताम्र पात्र में रखकर उन्हें सब धान्य से आवृत करे तथा उनके ऊपर वस्त्र और चंदन चढ़ावे, फिर प्रत्येक वृक्ष के पास कलश स्थापन करके उन कलशों की पूजा करे और रात में द्विजातियों और इंद्र आदि लोकपालों तथा वनस्पति का विधिवत अधिवास करावे। अंतर दूध देने वाली एक गौ को लाकर उसे श्वेत वस्त्र उड़ावे, उसके मस्तक पर सोने की कलगी लगावे, सिंगों को सोने से मढ़ा दे, उसको दोहने के लिए कांसे की दोहनी प्रस्तुत करे। इस प्रकार अत्यंत शोभा संपन्न उस गौ को उत्तर की ओर मुख करके खड़ी करके वृक्षों के बीच से छोड़े। तत्पश्चात श्रेष्ठ ब्राह्मण बाजों और मंगल गीतों की ध्वनि के साथ अभिषेक के मंत्र, तीनों वेदों की वरुण संबंधनी ऋचाएं पढ़ते हुए उक्त कलशों के जल से यजमान का अभिषेक करे। अभिषेक के पश्चात नहाकर यज्ञकर्ता पुरुष श्वेत वस्त्र धारण करे और अपनी सामर्थ्य के अनुसार गौ, सोने की जंजीर, कड़े, अंगूठी, पुत्री, वस्त्र, शैया, शैया उपयोगी सामान तथा चरण पाद का देकर एकाग्र चित्त वाले संपूर्ण ऋतिज्ञों का पूजन करे। इसके बाद चार दिनों तक दूध से अभिषेक तथा घी, जौ और काले तिलों से होम करे। होम में पलाश की लकड़ी उत्तम मानी गई है। वृक्ष आरोपण के पश्चात चौथे दिन विशेष उत्सव मनावे, उसमें अपनी शक्ति के अनुसार पुनः दक्षिणा दे, जो जो वस्तु अपने को अधिक प्रिय हो ईर्ष्या छोड़कर उसका दान करें। आचार्य को दुनी दक्षिणा दे तथा प्रणाम करके यज्ञ की समाप्ति करें। जो विद्वान उपयुक्त विधि से वृक्षारोपण का उत्सव करता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण होती हैं तथा वह अक्षय फल का भागी होता है। राजेंद्र, जो इस प्रकार वृक्ष की प्रतिष्ठा करता है वह जब तक 30,000 इंद्र समाप्त हो जाते हैं तब तक स्वर्ग लोक में निवास करता है। उसके शरीर में जितने रोम होते हैं अपने पहले और पीछे की उतनी ही पीढ़ियों का वह उद्धार कर देता है तथा उसे पुनरावृत्ति से रहित परम सिद्धि प्राप्त होती है। जो मनुष्य प्रतिदिन इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है वह भी देवताओं द्वारा सम्मानित और ब्रह्म लोक में प्रतिष्ठित होता है। वृक्ष पुत्रहीन पुरुष को पुत्रवान होने का फल देते हैं। इतना ही नहीं, वे आदि देवता रूप से तीर्थों में जाकर वृक्ष लगाने वालों को पिंड भी देते हैं। अतः भीष्म, तुम यत्न पूर्वक पीपल के वृक्ष लगाओ, वे अकेला ही तुम्हें 1,000 पुत्रों का फल देगा। पीपल का पेड़ लगाने से मनुष्य धनी होता है, अशोक शोक का नाश करने वाला होता है, पाकड़ यज्ञ का फल देने वाला बताया गया है, नीम का वृक्ष आयु प्रदान करने वाला माना गया है, जामुन कन्या देने वाला कहा गया है, अनार का वृक्ष पत्नी प्रदान करता है, पीपल रोग का नाशक है और पलाश ब्रह्म तेज प्रदान करने वाला है। जो मनुष्य बहेड़े का वृक्ष लगाता है वह प्रेत होता है। अंकोल लगाने से वंश की वृद्धि होती है, खैर का वृक्ष लगाने से आरोग्य की प्राप्ति होती है, नीम लगाने वाले पर भगवान सूर्य प्रसन्न होते हैं, बेल के वृक्ष में भगवान शंकर का और गुलाब के पेड़ में देवी पार्वती का निवास है, अशोक वृक्ष में अप्सराएं और कुंद अर्थात मोंगरे के पेड़ में श्रेष्ठ गंधर्व निवास करते हैं, बैंत का वृक्ष लुटेरों को भय प्रदान करने वाला है,
चंदन और कटल के वृक्ष क्रमशः पुण्य और लक्ष्मी देने वाले हैं। चंपा का वृक्ष सौभाग्य प्रदान करता है। ताड़ का वृक्ष संतान का नाश करने वाला होता है। मोलसिरी से कुल की वृद्धि होती है। नारियल लगाने वाला अनेक स्त्रियों का पति होता है। दाख का पेड़ सर्वांग सुंदरी स्त्री प्रदान करने वाला होता है। केवड़ा शत्रु का नाश करने वाला है। इसी प्रकार नयन वृक्ष भी, जिनका यहाँ नाम नहीं लिया गया है, यथा योग्य फल प्रदान करते हैं। जो लोग वृक्ष लगाते हैं उन्हें परलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। प्लचि कहते हैं, राजन इस प्रकार एक दूसरा व्रत बतलाता हूं, जो समस्त मनवांछित फलों को देने वाला है उसका नाम है सौभाग्यशयन। इसे पुराणों के विद्वान ही जानते हैं। पूर्व काल में जब भूलोक, भोरलोक, स्वरलोक तथा महरलोक आदि संपूर्ण लोक दग्ध हो गए, तब समस्त प्राणियों का सौभाग्य एकत्रित होकर वैकुंठ में जाकर भगवान श्री विष्णु के वक्ष स्थल में स्थित हो गया। तंत्र दीर्घ काल के पश्चात जब पुनः सृष्टि रचना का समय आया, तब प्रकृति और पुरुष से युक्त संपूर्ण लोकों के अहंकार से आवृत हो जाने पर श्री ब्रह्मा जी तथा भगवान श्री विष्णु में स्पर्धा जागृत हुई। उस समय एक पीले रंग की भयंकर अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। उससे भगवान जी का वक्ष स्थल ताप उठा, जिससे वह सौभाग्य पुंज वहां से गलित हो गया। श्री विष्णु के वक्ष स्थल का वह सौभाग्य अभी रस रूप होकर धरती पर गिरने नहीं पाया था कि ब्रह्मा जी के बुद्धिमान पुत्र दक्ष ने उसे आकाश में ही रोककर पी लिया। दक्ष के पीते ही वह अद्भुत रूप और लावण्य प्रदान करने वाला सिद्ध हुआ। प्रजापति दक्ष का बल और तेज बहुत बढ़ गया और उसके पीने से बचा हुआ जो अंश पृथ्वी पर गिर पड़ा वे 8 भागों में बट गया। उनमें से 7 भागों में 7 सौभाग्यदायिनी औषधियां उत्पन्न हुई, जिनके नाम इस प्रकार हैं: ईख, तरुराज, निष्पाव, राजधान्य अर्थात शाली या अग्नि, गोशीर अर्थात शीर जीरक, कुसुम्ब और कुसुम। 8वां नमक है। इन 8ों की सौभाग्य अष्टक संज्ञा कहते हैं। योग और ज्ञान के तत्व को जानने वाले ब्रह्मपुत्र दक्ष ने पूर्व काल में जिस सौभाग्य रस का पान किया था, उसके अंश से उन्हें सती नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। नीलकमल के समान मनोहर शीर वाली वह कन्या लोक में ललिता के नाम से प्रसिद्ध है। पिनाकधारी भगवान शंकर ने उस त्रिभुवन सुंदरी देवी के साथ विवाह किया। सती तीनों लोकों को सौभाग्य रूपा है। वे भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। उसकी आराधना करके नर या नारी क्या नहीं प्राप्त कर सकते। भीष्म जी ने पूछा, मुनि जगदात्री सती की आराधना कैसे की जाती है? जगत की शांति के लिए जो विधान हो वह मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो प्लस जी कहने लगे, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को दिन के पूर्व भाग में मनुष्य तिल मिश्रित जल से स्नान करे। उस दिन परम सुंदरी भगवती सती का विश्वाता भगवान शंकर के साथ वैवाहिक मंत्रों द्वारा विवाह हुआ था। अतः तृतीया को सती देवी के साथ ही भगवान शंकर का भी पूजन करें। पंचगव्य तथा चंदन मिश्रित जल के द्वारा गौरी और भगवान चंद्रशेखर की प्रतिमा को स्नान कराकर धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों द्वारा उन दोनों की पूजा करनी चाहिए। पार्थी देवी नमा, शिवाय नमा, इन मंत्रों से क्रमशः पार्थी और शिव के चरणों का, जियाय नमा, शिवाय नमा से दोनों घुटियों का, त्र्यंबकाय नमा, भवाय नमा, भवान्ने नमा से पिंडलियों का, भद्रेश्राय नमा, विज्याय नमा से घुटनों का, हरि कीशाय नमा, वरदाय नमा से जांघों का, ईशाय शंकराय नमा, रत्तेय नमा से दोनों कटिभाग का, कुटिन्ने नमा, शूलने नमा से कुक्षी भाग का, शूल पाण्डे नमा, मंगलाय नमा से उदर का, सर्वात्मने नमा, ईशान्य नमा से दोनों स्तनों का, चिदात्मने नमा, रुद्रान्ने नमा से कंठ का, त्रिपुर घनाय नमा, अनंताय नमा से दोनों हाथों का, त्रिलोचनाय नमा, काला नल प्रियाय नमा से बाहों का, सौभाग्य भवनाय नमा से आभूषणों का, स्वधाय नमा, ईश्वराय नमा से दोनों मुखमंडल का, अशोक वन वासिन्ने नमा
इस मंत्र से ऐश्वर्य प्रदान करने वाले होठों का, 97 नमा चंद्रमुख प्रियाय नमा से मुंह का, अर्धनागतिश्राय नमा अशितांगाय नमा से नासिका का, उग्राय नमा ललिताय नमा से दोनों भौहों का, शर्माय नमा वासुदेवाय नमा से केशों का, श्रीकंठाय नाथाय नमा से केवल शिव के बालों का, तथा भीम उग्र रूपिण्ये नमा सर्वात्मने नमा से दोनों के मस्तकों का पूजन करें। इस प्रकार शिव और पार्वती के विधिवत पूजा करके उनके आगे सौभाग्य अष्टक रखें। निष्पाव कुसुम्ब शीरजीरक तरुराज इक्षु लवण कुसुम तथा राजधान्य, इन 8 वस्तुओं को देने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है, इसलिए इसकी सौभाग्य अष्टक संज्ञा है। इस प्रकार शिव पार्वती के आगे सब सामग्री निवेदन करके चेत में सिंघाड़ा खाकर रात को भूमि का शयन करें, फिर सवेरे उठकर स्नान और जप करके पवित्र होकर माला वस्त्र आभूषणों के द्वारा ब्राह्मण दंपति का पूजन करें। इसके बाद सौभाग्य अष्टक सहित शिव और पार्वती की स्वर्णमय प्रतिमाओं को ललिता देवी की प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण को निवेदन करें। दान के समय इस प्रकार कहे, ललिता विद्या भद्रा भवानी कुमदा शिवा वासुदेवा गौरी मंगला कमला सती और उमा, ये प्रसन्न हो। 12 महीनों की प्रत्येक द्वादशी को भगवान श्री विष्णु के साथ उनके साथ लक्ष्मी जी की पूजा करें। इसी प्रकार परलोक में उत्तम गति चाहने वाले पुरुष को प्रत्येक मास की पूर्णिमा को सावित्री सहित ब्रह्मा जी की विधिवत आराधना करनी चाहिए, तथा ऐश्वर्य की कामना वाले मनुष्य को सौभाग्य अष्टक का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार 1 वर्ष तक इस व्रत का विधि पूर्वक अनुष्ठान करके पुरुष स्त्री या कुमारी भक्ति के साथ रात्रि में शिव जी की पूजा करें। व्रत की समाप्ति के समय संपूर्ण सामग्रियों से युक्त शैया शिव पार्वती की स्वर्णमय प्रतिमा बैल और गौ का दान करें। कृपणता छोड़कर दृढ़ निश्चय के साथ भगवान जी का पूजन करें। जो स्त्री इस प्रकार उत्तम सौभाग्यशयन व्रत का अनुष्ठान करती है उसकी कामनाएं पूर्ण होती हैं, अथवा यदि वह निष्काम भाव से इस व्रत को करती है तो उसे नित्य पद की प्राप्ति होती है। इस व्रत का आचरण करने वाले पुरुष को 1 फल का प्रत्याग कर देना चाहिए। प्रतिमास इसका आचरण करने वाला पुरुष यश और कीर्ति प्राप्त करता है। राजन, सौभाग्यशयन का दान करने वाला पुरुष कभी सौभाग्य आरोग्य सुंदर रूप वस्त्र अलंकार और आभूषणों से वंचित नहीं होता। जो 12, 8 या 7 वर्षों तक सौभाग्यशयन व्रत का अनुष्ठान करता है वह ब्रह्मलोक निवासी पुरुषों द्वारा पूजित होकर 10,000 कल्पों तक वहां निवास करता है। इसके बाद वह विष्णुलोक तथा शिवलोक में भी जाता है। जो नारी या कुमारी इस व्रत का पालन करती है वह भी ललिता देवी के अनुग्रह से ललित होकर पूर्वोक्त फल को प्रदान प्राप्त करती है। जो इस व्रत की कथा का श्रवण करता है अथवा दूसरों को इसे करने का सलाह देता है वह विद्याधर होकर चिरकाल तक स्वर्गलोक में निवास करता है। पूर्व काल में इस अद्भुत व्रत का अनुष्ठान कामदेव ने, राजा शतधन्वा ने, वरुण देव ने, भगवान सूर्य ने तथा धन के स्वामी कुबेर ने भी किया था। पदम प्राण के सृष्टि खंड में तीर्थ महिमा के प्रसंग में वामन अवतार की कथा, भगवान जी का बाष्करी दैत्य से त्रिलोकी के राज्य का अपहरण। भीष्म जी ने कहा, ब्राह्मण अब मैं तीर्थों का अद्भुत महात्म्य सुनना चाहता हूं जिसे सुनकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। आप विस्तार के साथ उसका वर्णन करो। प्लस जी बोले, राजन ऐसे अनेकों पावन तीर्थ हैं जिसका नाम लेने से भी बड़े बड़े पातकों का नाश हो जाता है। तीर्थों का दर्शन करना, उसमें स्नान करना, वहां जाकर बार बार डुबकी लगाना तथा समस्त तीर्थों का स्मरण करना, ये मनवांछित फल को देने वाले हैं। भीष्म, पर्वत नदियां क्षेत्र आश्रम और मानस आदि सरोवर सभी तीर्थ कहे गए हैं।
जिनमें तीर्थ यात्रा के उद्देश्य से जाने वाले पुरुष को पग पग पर अश्वमेघ आदि यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। भीष्म जी ने पूछा पुलस्त जी से, द्विश्रेष्ठ, मैं आपसे भगवान श्री विष्णु का चरित्र सुनना चाहता हूं। सर्वसमर्थ एवं सर्वव्यापक श्री विष्णु ने यज्ञ पर्वत पर जा वहां अपने चरण रखकर किस दानव का दमन किया था? महामुनि, ये सारी बातें मुझे बतलाइए। तो प्लस जी कहने लगे, वत्स, तुमने बड़ी उत्तम बात पूछी है, एकाग्रचित्त होकर सुनो। प्राचीन सतयुग की बात है, बलिष्ठ दानवों ने समूचे स्वर्ग पर अधिकार जमा लिया था। इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं को जीतकर उनसे त्रिभुवन का राज्य छीन लिया था। उसमें बाष्कली नाम का दानव सबसे बलवान था। उसने समस्त दानवों को यज्ञ का भोक्ता बना दिया। इससे इंद्र को बड़ा दुख हुआ, वे अपने जीवन से निराश हो चले। उन्होंने सोचा, ब्रह्मा जी के वरदान से दानव राज बाष्कली मेरे तथा संपूर्ण देवताओं के लिए युद्ध में अवध्य हो गया है, अतः मैं ब्रह्मलोक में चलकर भगवान ब्रह्मा जी की शरण लूंगा, उनके सिवा और कोई मुझे सहारा देने वाला नहीं है। ऐसा विचार करके देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं को साथ लेकर तुरंत उस स्थान पर गए जहां भगवान ब्रह्मा जी विराजमान थे। इंद्र बोले, देव, क्या आप हमारी दिशा नहीं जानते? अब हमारा जीवन कैसे रहेगा? प्रभु, आपके वरदान से दैत्यों ने हमारा सर्वस्व छीन लिया। मैं दुरात्मा बाष्कली की सारी करतूतें पहले ही आपको बता चुका हूं। पिता, में आप ही हमारे पिता हैं, हमारी रक्षा के लिए शीघ्र कोई उपाय कीजिए। संसार से वेद पाठ और यज्ञ याग आदि उठ गए, उत्सव और मंगल की बातें जाती रही, सबने अध्ययन करना छोड़ दिया, दंड नीति भी उठा दी गई। इन सब कारणों से संसार के प्राणी किसी तरह सांस मात्र ले रहे हैं। जगत पीड़ाग्रस्त तो था ही, अब और भी कष्टतर दशा को पहुंच गया है। इतने समय में हम लोगों को बड़ी ग्लानि उठानी पड़ती है। ब्रह्मा जी ने कहा, देवराज, मैं जानता हूं बाष्कली बड़ा नीच है और वरदान पाकर घमंड में भर गया है। यद्यपि तुम लोगों के लिए वह अजय है, तथापि मैं समझता हूं भगवान श्री विष्णु उसे अवश्य ठीक कर देंगे। तपलस जी कहते हैं, उस समय ब्रह्मा जी समाधि में स्थित हो गए। उनके चिंतन करने पर ध्यान मात्र से चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु थोड़े ही समय में सबके देखते देखते वहां पर आ पहुंचे। भगवान श्री विष्णु बोले, ब्रह्मन, इस ध्यान को छोड़ो, जिसके लिए तुम ध्यान करते हो वही मैं साक्षात तुम्हारे पास आ गया हूं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, स्वामी ने यहां आकर मुझे दर्शन दिया, ये बहुत बड़ी कृपा हुई। जगत के लिए जगदीश्वर की जितनी चिंता है उतनी और किस हो सकती है? मेरी उत्पत्ति भी आपने जगत के लिए ही की थी और जगत की ये दिशा है, अतः उसके लिए भगवान का ये शुभ आगमन वास्तव में कोई आश्चर्य की बात नहीं है। प्रभु, विश्व के पालन का कार्य आपके ही अधीन है। इस इंद्र का राज्य बाष्कली ने छीन लिया है, चराचर प्राणियों के सहित त्रिलोकी को अपने अधिकार में कर दिया है। केशव, अब आप ही सलाह देकर अपने इस सेवक की सहायता कीजिए। तब भगवान श्री वासुदेव ने कहा, ब्रह्मन, तुम्हारे वरदान से वह दानव इस समय अवध्य है, तथापि उसे बुद्धि के द्वारा बंधन में डालकर परास्त किया जा सकता है। मैं दानवों का विनाश करने के लिए वामन रूप धारण करूंगा। ये इंद्र मेरे साथ बाष्कली के घर चलें और वहां पहुंचकर मेरे लिए इस प्रकार वर की याचना करें। राजन, इस बोने ब्राह्मण के लिए 3 पग भूमि का दान दीजिए। महाभाग, इसके लिए मैं आपसे याचना करता हूं। ऐसा कहने पर वह दानवराज अपना प्राण तक दे सकता है। पिता, में उस दानव का दान स्वीकार करके पहले उसे राज्य से वंचित करूंगा, फिर उसे बांधकर पाताल का निवासी बनाऊंगा। यों कहकर भगवान श्री विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तंत्र कार्य साधन के अनुकूल समय आने पर संपूर्ण प्राणियों पर दया करने वाले देवादिदेव भगवान ने देवताओं का हित करने के लिए अदिति का पुत्र होने का विचार किया।
भगवान जी ने जिस दिन घर में प्रवेश किया उस दिन स्वच्छ वायु बहने लगी। संपूर्ण प्राणी बिना किसी उपद्रव के अपने अपने इच्छित पदार्थ प्राप्त करने लगे। वृक्षों से फूलों की वर्षा होने लगी। समस्त दिशाएं निर्मल हो गई तथा सभी मनुष्य सत्य प्रायण हो गए। देवी दिति ने 1000 दिव्य वर्षों तक भगवान जी को गर्भ में धारण किया। इसके बाद वे बहुत भावन प्रभु वामन रूप में प्रकट हुए। उनके अवतार लेते ही नदियों का जल स्वच्छ हो गया। वायु सुगंध बिखेरने लगी। उस तेजस्वी पुत्र के प्रकट होने से महर्षि कश्यप को भी बड़ा आनंद हुआ। तीनों लोकों में निवास करने वाले समस्त प्राणियों के मन में अपूर्व उत्साह भर गया। भगवान जनार्दन का प्रादुर्भाव होते ही स्वर्ग लोक में नगाड़े बजने लगे। अत्यंत हर्षोल्लास के कारण त्रिलोकी के मोर दुख नष्ट हो गए। गंधर्वों ने अत्यंत उच्च स्वर से संगीत आरंभ किया। कोई ऊंचे स्वर से भगवान जी की जय जयकार करने लगे। कोई अत्यंत हर्ष में भरकर जोर जोर से गर्जना करते हुए बारंबार भगवान जी को साधुवाद देने लगे तथा कुछ लोग जन्म भय बुढ़ापा और मृत्यु से छुटकारा पाने के लिए उनका ध्यान करने लगे। इस प्रकार ये संपूर्ण जगत सब ओर से अत्यंत प्रसन्न हो उठा। देवता लोग मन ही मन विचार करने लगे, ये साक्षात परमात्मा श्री विष्णु हैं। ब्रह्मा जी के अनुरोध से जगत की रक्षा के लिए जगदीश्वर ने यह छोटा सा शरीर धारण किया है। यही ब्रह्मा, यही विष्णु, यही महेश्वर हैं। देवता, यज्ञ और स्वर्ग सब कुछ ये ही हैं। इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। ये संपूर्ण चराचर जगत भगवान श्री विष्णु से व्याप्त है। ये एक होते हुए भी पृथक शरीर धारण करके ब्रह्मा के नाम से विख्यात है। जिस प्रकार बहुत से रंगों वाली वस्तुओं का सानिध्य होने पर स्फटिक मणि विचित्र सी प्रचीत होने लगती है, वैसे ही माया में गुणों के संसर्ग से संभव परमात्मा की नाना रूपों में प्रतीति होती है। जैसे एक ही ग्रहपत्य अग्नि, दक्षिण अग्नि तथा आवाहनी अग्नि आदि भिन्न भिन्न संज्ञाओं को प्राप्त होती है, उसी प्रकार ये एक ही श्री विष्णु ब्रह्मा आदि अनेक नाम एवं रूपों में उपलब्ध होते हैं। ये भगवान सब तरह से देवताओं का कार्य सिद्ध करेंगे। शुद्ध चित्त वाले देवगण जब इस प्रकार सोच रहे थे, उसी समय भगवान वामन इंद्र के साथ बाशकली के घर गए। उन्होंने दूर से ही बाशकली की नगरी को देखा, जो परकोटों से घिरी थी। सब प्रकार के रत्नों से सजे हुए ऊंचे ऊंचे सफेद महल, जो आकाशचारी प्राणियों के लिए भी अगम्य थे, उस पुरी की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर की सड़कें बड़े ही सुंदर एवं क्रमबद्ध बनाई गई थी। कोई ऐसा पुष्प नहीं, ऐसी विद्या नहीं, ऐसा शिल्प नहीं तथा ऐसी कला नहीं जो बाशकली की नगरी में मौजूद ना रही हो। वहीं रहकर दानवराज बाशकली चराचर प्राणियों सहित समस्त लोकी का पालन करता था। वह धर्म का ज्ञाता, कृतज्ञ, सत्यवादी और जितेंद्रिय था। सभी प्राणी उससे सुगमता पूर्वक मिल सकते थे। न्याय अन्याय का निर्णय करने में उसकी बुद्धि बड़ी ही कुशल थी। वह ब्राह्मणों का भक्त, शरणागतों का रक्षक तथा दीन और अनाथों पर दया करने वाला था। मंत्र शक्ति, प्रभु शक्ति और उत्साह शक्ति, इन तीनों शक्तियों से वह संपन्न था। संधि विग्रह, यान आसन, द्वैधी भाव और समाश्रय, राजनीति के इन 6 गुणों का अवसर के अनुकूल उपयोग करने में उसका सदा उत्साह रहता था। वह सबसे मुस्कुराकर बात करता था। वेद और वेदांगों के तत्व का उसे पूर्ण ज्ञान था। वह यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला तपस्या प्रायण, उदार, सुशील, संयमी, प्राणियों की हिंसा से विरत, माननीय पुरुषों को आदर देने वाला, शुद्ध हृदय, प्रसन्न मुख, पूजनीय पुरुषों का पूजन करने वाला, संपूर्ण विषयों का ज्ञाता, दुर्दमनीय, सौभाग्यशाली, देखने में सुंदर, अन्न का बहुत बड़ा संग्रह रखने वाला, बड़ा धनी और बहुत बड़ा दानी था। मैं धर्म, अर्थ और काम तीनों के साधन में संलग्न रहता था। बाशकली त्रिलोकी का एक श्रेष्ठ पुरुष था। वह सदा अपनी नगरी में ही रहता था। उसमें देवता और दानवों के भी घमंड को चूर्ण करने की शक्ति थी। ऐसे गुणों से विभूषित होकर वह त्रिभुवन की समस्त प्रजा का पालन करता था। उस दानवराज के राज्य में कोई भी अधर्म नहीं होता था।
उसकी प्रजा से कोई भी ऐसा नहीं था जो दीन हो, रोगी हो, अल्पायु हो, दुखी हो, मूरख हो, कुरूप हो, दुर्भाग्यशाली हो और अपमानित हो। इंद्र को आते देख दानों ने जाकर राजा बाष्कली से कहा, प्रभु बड़े आश्चर्य की बात है, आज इंद्र एक बोने ब्राह्मण के साथ अकेले ही आपकी पुरी में आ रहे हैं। इस समय हमारे लिए जो कर्तव्य हो उसे शीघ्र बताइए। उसकी बात सुनकर बाष्कली ने कहा, दानवों इस नगर में देवराज को आदर के साथ ले आना चाहिए, वे आज हमारे पूजनीय अतिथि हैं। प्लस जी कहते हैं, दानवराज बाष्कली दानवों से ऐसा कहकर फिर स्वयं इंद्र से मिलने के लिए अकेला ही राजमहल से बाहर निकल पड़ा और अपने शोभा संपन्न नगर की सातवीं ड्योढ़ी पर जा पहुंचा। इतने में ही उधर से भगवान वामन और इंद्र भी आ पहुंचे। दानवराज ने बड़े प्रेम से उनकी ओर देखा और प्रणाम करके अपने को कृतार्थ माना। वह हर्ष में भरकर सोचने लगा, मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि आज मैं त्रिभुवन की राज्य लक्ष्मी से संपन्न होकर इंद्र को याचक के रूप में अपने घर पर आया देखता हूं। ये मुझसे कुछ याचना करेंगे, घर पर आए हुए इंद्र को मैं अपनी स्त्री पुत्र महल तथा अपने प्राण भी दे डालूंगा। फिर त्रिलोकी के राज्य की तो बात ही क्या है। ये सोचकर उसने सामने आ इंद्र को अंक में भरकर बड़े आदर के साथ गले लगाया और अपने राजभवन के भीतर ले जाकर अर्ध्य तथा अश्विनी आदि से उन दोनों का यत्न पूर्वक पूजन किया। इसके बाद बाष्कली बोला, इंद्र आज मैं आपको अपने घर पर स्वयं आया देखता हूं, इससे मेरा जन्म सफल हो गया, मेरे सभी मनोरथ पूर्ण हो गए। प्रभु मेरे पास आपका किस प्रयोजन से आगमन हुआ, मुझे सारी बात बताइए। आपने यहां तक आने का कष्ट उठाया, इसे मैं बड़े आश्चर्य की बात समझता हूं। इंद्र ने कहा, बाष्कली मैं जानता हूं दानव वंश के श्रेष्ठ पुरुषों में तुम सबसे प्रधान हो, तुम्हारे पास मेरा आना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तुम्हारे घर पर आए हुए याचक कभी विमुख नहीं लौटते, तुम याचकों के लिए कल्प वृक्ष हो, तुम्हारे समान दाता कोई नहीं है। तुम प्रभा में सूर्य के समान हो, गंभीरता में सागर की समानता करते हो, क्षमाशीलता के कारण तुम्हारी पृथ्वी के साथ तुलना की जाती है। ये ब्राह्मण देवता वामन कश्यप जी के उत्तम कुल में उत्पन्न हुए हैं। इन्होंने मुझसे 3 पग भूमि के लिए याचना की है, किंतु बाष्कली मेरा त्रिभुवन का राज्य तो तुमने पराक्रम करके छीन लिया है। अब मैं निराधार और निर्धन हूं, इन्हें देने के लिए मेरे पास कोई भूमि नहीं है, इसलिए तुमसे याचना करता हूं। याचक मैं नहीं, ये हैं दानवेंद्र, यदि तुम्हें अभीष्ट हो तो इन वामन जी को 3 पग भूमि दे दो। बाष्कली ने कहा, देवेंद्र आप भले पधारे, आपका कल्याण हो, जरा अपनी ओर तो देखिए, आप ही सबके परम आश्रय हैं। पिता में ब्रह्मा जी त्रिभुवन की रक्षा का भार आपके ऊपर डालकर सुख से बैठे हैं और ध्यान धारणा से युक्त होकर परम पद का चिंतन करते हैं। भगवान श्री विष्णु भी अनेकों संग्रामों से थककर जगत की चिंता छोड़ आपके ही भरोसे शीर सागर का आश्रय लेकर सुख की नींद सो रहे हैं। उमानाथ भगवान शंकर भी आपको ही सारा भार सौंपकर कैलाश पर्वत विहार करते हैं। मुझसे भिन्न बहुत से दानवों को जो बलवानों से भी बलवान थे आपने अकेले ही मार गिराया। 12 आदित्य, 11 रुद्र, 2 अश्विनी कुमार, 8 वसु तथा सनातन देवता धर्म, ये सब आपके ही बाहुबल का आश्रय लेकर स्वर्गलोक में यज्ञ का भाग ग्रहण करते हैं। आपने उत्तम दक्षिणाम से संपन्न 100 यज्ञ द्वारा भगवान जी का यजन किया है। वृत्र और नमुची आपके ही हाथों से मारे गए हैं। आपने ही पाक नामक दैत्य का दमन किया है। सर्वसमर्थ भगवान विष्णु ने आपकी ही आज्ञा से दैत्यराज हिरण्यकश्यप को अपनी जांघ पर बिठाकर मार डाला था।
आप ऐरावत के मस्तक पर बैठकर वज्र हाथ में लिए जब संग्राम भूमि में आते हैं, उस समय आपको देखते ही सब दानव भाग जाते हैं। पूर्व काल में आपने बड़े बड़े बलिष्ठ दानों पर विजय पाई है। देवराज, आप ऐसे प्रभावशाली हैं, आपके सामने मेरी क्या गिनती हो सकती है। आपने मेरा उद्धार करने की इच्छा से ही यहां पर दर्पण किया है। निसंदेह में आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं आपके लिए अपने प्राण भी दे दूंगा। देवेश्वर, आपने मुझसे इतनी सी भूमि की बात क्यों कही। यदि स्त्री पुत्र गंवें तथा और जो कुछ भी धन मेरे पास है वे सब एवं त्रिलोकी का सारा राज्य इन ब्राह्मण देवता को दे दीजिए। आप ऐसा करके मुझ पर तथा मेरे पूर्वजों पर कृपा करेंगे, इसमें तनिक भी संशय नहीं है। क्योंकि भावी प्रजा कहेगी पूर्व काल में राजा बाष्कली ने अपने घर पर आए हुए इंद्र को त्रिलोकी का राज्य दे दिया था। आप ही क्यों, दूसरा भी कोई याचक यदि मेरे पास आए तो वह सदा ही मुझे अत्यंत प्रिय होगा। आप तो उन सब में मेरे लिए विशेष आदरणीय हैं, अतः आपको कुछ भी देने में मुझे कोई विचार नहीं करना है। परंतु देवराज, मुझे इस बात से बड़ी लज्जा हो रही है कि इन ब्राह्मण देवता के विशेष प्रार्थना करने पर आप मुझसे 3 ही पग भूमि मांग रहे हैं। मैंने अच्छे अच्छे गांव दे दूंगा और आपको स्वर्ग का राज्य अर्पण कर दूंगा। वामन जी को स्त्री और भूमि दोनों दान करूंगा। आप मुझ पर कृपा करके ये सब स्वीकार कीजिए। प्लस्य कहते हैं, राजन, दानवराज बाष्कली के ऐसा कहने पर उनके पुरोहित शुक्राचार्य ने उनसे कहा, महाराज, तुम्हें उचित अनुचित का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। किसको कब क्या देना चाहिए इस बात से तुम अनभिज्ञ हो। अतः मंत्रियों के साथ भली भांति विचार करके युक्त अयुक्त का निर्णय करके फिर कोई कार्य करना चाहिए। तुमने इंद्र सहित देवताओं को जीतकर त्रिलोकी का राज्य प्राप्त किया है। अपने वचन को पूरा करते ही तुम बंधन में पड़ जाओगे। राजन, ये जो वामन है ना, इन्हें साक्षात सनातन विष्णु ही समझो। इनके लिए तुम्हें कुछ नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही तो पहले तुम्हारे वंश का उच्छेद कराया है और आगे भी कराएंगे। इन्होंने माया से दानों को प्रास्त किया है और माया से ही इस समय बोने ब्राह्मण का रूप बनाकर तुम्हें दर्शन दिया है। अतः अब बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है, इन्हें कुछ मत दो। 3 पग तो बहुत है, मक्खी के पैर के बराबर भी भूमि देना स्वीकार मत करो। यदि मेरी बात नहीं मानोगे तो शीघ्र ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। यह मैं तुम्हें सच्ची बात कह रहा हूं। बाष्कली ने कहा, गुरुदेव, मैंने धर्म की इच्छा से इन्हें सब कुछ देने की प्रतिज्ञा कर ली। प्रतिज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए, यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। यदि ये भगवान विष्णु हैं और मुझसे दान लेकर देवताओं को समृद्धिशाली बनाना चाहते हैं, तब तो मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। ध्यान प्रायण योगी निरंतर ध्यान करते रहने पर भी जिनका दर्शन जल्दी नहीं कर पाते, उन्होंने ही यदि मुझे दर्शन दिया है, तब तो इन देवेश्वर ने मुझे और भी धन्य बना दिया। जो लोग हाथ में कुश और जल लेकर दान देते हैं, वे भी मेरे दान से सनातन परमात्मा भगवान विष्णु प्रसन्न हो इस वचन के कहने पर मोक्ष के भागी होते हैं। इस कार्य को निश्चित रूप से करने के लिए मेरा जो दृढ़ संकल्प हुआ है उसमें आपका उपदेश ही कारण है। बचपन में आपने एक बार उपदेश दिया था जिसे मैंने अच्छी तरह अपने हृदय में धारण कर लिया था। वह उपदेश इस प्रकार था, शत्रु भी यदि घर पर आ जाए तो उसके लिए कोई वस्तु अदे नहीं है, उसे कुछ भी देने से इनकार नहीं करना चाहिए। गुरुदेव, यही सोचकर मैंने इंद्र के लिए स्वर्ग का राज्य और वामन जी के लिए अपने प्राण तक दे डालने का निश्चय किया है। जिस दान के देने में कुछ भी कष्ट नहीं होता, ऐसा दान तो संसार में सभी लोग देते हैं। यह सुनकर गुरु जी ने लज्जा से अपना मुंह नीचा कर लिया।
तब भाष्करी ने इंद्र से कहा, देव आपके मांगने पर मैं सारी पृथ्वी दे सकता हूँ, यदि इन्हें तीन ही पग भूमि देनी पड़ी तो ये मेरे लिए लज्जा की बात होगी। इंद्र ने कहा, दानवराज तुम्हारा कथन सत्य है, किंतु इन ब्राह्मण देव ने मुझसे तीन ही पग भूमि की याचना की है, इनको इतनी ही भूमि की आवश्यकता है, मैंने भी इन्हीं के लिए तुमसे याचना की है, अतः इन्हें ये वर प्रदान करो। भाष्करी ने कहा, देवराज आप वामन को मेरी ओर से तीन पग भूमि दे दीजिए और आप इस चिरकाल तक वहां सुख से निवास कीजिए। प्लस जी कहते हैं, ये सोचकर भाष्करी ने हाथ में जल लेकर साक्षात श्री हरि मुझ पर प्रसन्न हो ऐसा कहते हुए वामन जी को तीन पग भूमि दे दी। दानवराज के दान करते ही श्री हरि ने वामन रूप त्याग दिया और देवताओं का हित करने की इच्छा से संपूर्ण लोकों को नाप लिया। वे यज्ञ पर्वत पर पहुंचकर उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हो गए। उस समय दानव लोग भगवान के बाएं चरण के नीचे आ गया। जब जगदीश्वर ने पहला पग सूर्य लोक में रखा और दूसरा ध्रुव लोक में, फिर अद्भुत कर्म करने वाले भगवान जी ने तीसरे पग से ब्रह्मांड पर आघात किया। उनके अंगूठे के अग्रभाग से लगकर ब्रह्मांड का ताप फूट गया, जिससे बहुत सा जल बाहर निकला। उसे ही भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट होने वाली वैष्णी नदी गंगा कहते हैं। गंगा जी अनेक कारणवश भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई है। उनके द्वारा चराचर प्राणियों सहित समस्त लोकी व्याप्त है। तत्पश्चात भगवान श्री वामन ने भाष्करी से कहा, मेरे तीन पग पूर्ण करो। भाष्करी ने कहा, भगवान आपने पूर्व काल में जितनी बड़ी पृथ्वी बनाई थी उसमें से मैंने कुछ भी छिपाया नहीं है। पृथ्वी छोटी है और आप महान हैं, मुझमें सृष्टि उत्पन्न करने की शक्ति नहीं है जिससे कि दूसरी पृथ्वी बनाकर आपके तीन पग पूर्ण करूं। देव आप जैसे प्रभुओं की इच्छा शक्ति ही मनवांछित कार्य करने में समर्थ होती है। सत्यवादी भाष्करी को निरुत्तर जानकर भगवान श्री विष्णु बोले, दानवराज बोलो मैं तुम्हारी कौन सी इच्छा पूर्ण करूं। तुम्हारा दिया हुआ संकल्प का जल मेरे हाथ में आया है, इसलिए तुम वर पाने के योग्य हो, वरदान के उत्तम पात्र हो। तुम्हें जिस वस्तु की इच्छा हो मांगो, मैं उसे दूंगा। भाष्करी ने कहा, देवेश्वर मैं आपकी भक्ति चाहता हूं, मेरी मृत्यु भी आपके ही हाथ से हो, जिससे मुझे आपके परम धाम छेद द्वीप की प्राप्ति हो, जो तपस्वियों के लिए भी दुर्लभ है। तो प्लस जी कहते हैं, भाष्करी के ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने कहा, तुम एक कल्प तक ठहरे रहो, जिस समय वरा रूप धारण करके मैं रसातल में प्रवेश करूंगा उसी समय तुम्हारा वध करूंगा, इससे तुम मेरे रूप में लीन हो जाओगे। भगवान जी के ऐसा वचन सुनकर वह दानव उनके सामने से चला गया। भगवान भी उससे त्रिलोकी का राज्य छीनकर अंतर ध्यान हो गए। भाष्करी पाताल लोक का निवासी होकर सुखपूर्वक रहने लगा। बुद्धिमान इंद्र तीनों लोकों का पालन करने लगे। ये जगतगुरु भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार का वर्णन है। इससे गंगा जी के प्रादुर्भाव की कथा भी आ गई है। ये प्रसंग सब पापों का नाश करने वाला है। वे मैंने श्री विष्णु के तीन पगों का इतिहास बतलाया है, जिसे सुनकर मनुष्य इस संसार से संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। श्री विष्णु के पगों का दर्शन कर लेने पर उनके दुस्वप्न, दुश्चिंता और घोर पाप शीघ्र नष्ट हो जाते हैं। पापी मनुष्य प्रत्येक युग में यज्ञ पर्वत पर स्थित श्री विष्णु के चरणों का दर्शन करके पाप से छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, जो मनुष्य मौन होकर यज्ञ पर्वत पर चढ़ता है अथवा तीनों पुष्करों की यात्रा करता है, उसे अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वह सब पापों से मुक्त होकर मृत्यु के पश्चात श्री विष्णु धाम में जाता है।
तो भीष्म जी बोले, भगवान ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वामन जी के द्वारा दानवराज बाष्कली बंधन में डाला गया। मैंने तो श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मुख से ऐसी कथा सुन रखी है कि भगवान जी ने वामन रूप धारण करके राजा बलि को बांधा था और विरोचन कुमार बलि आज तक पाताल लोक में मौजूद हैं। अतः आप मुझसे बलि के बांधे जाने की कथा का वर्णन कीजिए। तो प्रहलाद जी कहते हैं, निपछे मैं तुम्हें सब बातें बताता हूँ, सुनो। पहली बार की कथा जो तुम सुन ही चुके हो, दूसरी बार वर्तमान व्यवस्थित मनवंतर में भी भगवान श्री विष्णु ने त्रिलोकी की अपने चरणों से नापा था। उस समय उन देवादिदेव ने अकेले ही यज्ञ में जाकर राजा बलि को बांधा और भूमि को नापा था। उस अवसर पर भगवान पुनः वामन अवतार हुआ तथा पुनः उन्होंने त्रिविक्रम रूप धारण किया था। वे पहले वामन होकर फिर विराट हो गए। संक्षेप पदम प्राण के सृष्टि खंड में सत्संग के प्रभाव से पांच प्रेतों का उद्धार और पुष्कर तथा प्राची सरस्वती के महात्मा भीष्म जी ने पूछा, ब्राह्मण किस कर्म के परिणाम से मनुष्य प्रेत योनि में जाता है और किस कर्म के द्वारा वह उससे छुटकारा पाता है, ये मुझे बताने की कृपा कीजिए। तो पुलस्त जी बोले, राजन मैं तुम्हें ये सब बातें विस्तार से बताता हूँ, सुनो। जिस कर्म से जीव प्रेत होता है तथा जिस कर्म के द्वारा देवताओं के लिए भी दुष्टर घोर नरक में पड़ा हुआ प्राणी भी उससे मुक्त हो जाता है, उसका वर्णन करता हूँ। प्रेत योनि में पड़े हुए मनुष्य सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप तथा पुण्य तीर्थों का बारंबार कीर्तन करने से उससे छुटकारा पा जाते हैं। भीष्म, सुना जाता है प्राचीन काल में कठिन नियमों का पालन करने वाले एक ब्राह्मण थे जो पृथु नाम से सर्वत्र विख्यात थे। वे सदा संतुष्ट रहा करते थे, उन्हें योग का ज्ञान था। वे प्रतिदिन सिद्धाई होम और जप यज्ञ में संलग्न रहकर समय व्यतीत करते थे। उन्हें परमात्मा के तत्व का बोध था। वे शम अर्थात मनोनिग्रह, दम अर्थात इंद्री संयम और क्षमा से युक्त रहते थे। उनका चित्त अहिंसा धर्म में स्थित था। वे सदा अपने कर्तव्य का ज्ञान रखते थे। ब्रह्मचर्य, तपस्या, पितृकार्य अर्थात श्राद्ध तर्पण आदि और वैदिक कर्म में उनकी प्रवृत्ति थी। वे परलोक का भय मानते थे और सत्य भाषण में रत रहते थे। सबसे मीठा वचन बोलते थे और अतिथियों के सत्कार में मन लगाते थे। सुख दुख आदि संपूर्ण द्वंद्वों का प्रत्याग करने के लिए सदा योग अभ्यास में तत्पर रहते थे। अपने कर्तव्य के पालन और सिद्धाय में लगे रहना उनका नित्य का नियम था। इस प्रकार संसार को जीतने की इच्छा से वे सदा शुभ कर्म का अनुष्ठान किया करते थे। ब्राह्मण देवता को वन में निवास करते अनेकों वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार उनका ऐसा विचार हुआ कि मैं तीर्थ यात्रा करूं, तीर्थों के पावन जल से अपने शरीर को पवित्र बनाऊं। ऐसा सोचकर उन्होंने सूर्योदय के समय शुद्ध चित्त से पुष्कर तीर्थ में स्नान किया और गायत्री का जप तथा नमस्कार करके यात्रा के लिए चल पड़े। जाते जाते एक जंगल के बीच कंटका कीर्ण भूमि में, जहां पानी नहीं था ना वृक्ष था, उन्होंने अपने सामने पांच पुरुषों को खड़े देखा जो बड़े ही भयंकर थे। उन विकट आकार तथा पापपूर्ण दृष्टि वाले अत्यंत घोर प्रेतों को देखकर उनके हृदय में कुछ भय का संचार हो आया। फिर भी वे निश्चल भाव से खड़े रहे। यद्यपि उनका चित्त भय से उद्विग्न हो रहा था, तथापि उन्हें धैर्य धारण करके मधुर शब्दों में पूछा, विक्राल मुख वाले प्राणियों, तुम लोग कौन हो? किसके द्वारा कौन सा ऐसा कर्म बन गया है जिससे तुम्हें इस विकृत रूप की प्राप्ति हुई है? प्रेतों ने कहा,
हम भूख और प्यास से पीड़ित हो सर्वदा महान दुख से घिरे रहते हैं। हमारा ज्ञान और विवेक नष्ट हो गया है, हम सभी अचेत हो रहे हैं। हमें इतना भी ज्ञान नहीं है कि कौन दिशा किस ओर है। दिशाओं के बीच के अवंतर दिशाओं को भी नहीं पहचानते। आकाश, पृथ्वी तथा स्वर्ग का भी हमें ज्ञान नहीं है। ये तो दुख की बात हुई। सुख इतना ही है कि सूर्य उदय देखकर हमें प्रभात सा प्रतीत हो रहा है। हम में से एक का नाम पर्युषित है, दूसरे के नाम सूचीमुख है, तीसरे का नाम शीघ्रक है, चौथे का रोधक है और पांचवें का लेखक है। ब्राह्मण ने पूछा, तुम्हारे नाम कैसे पड़ गए? क्या कारण है जिससे तुम लोगों को ये नाम प्राप्त हुई? प्रेतों में से एक ने कहा, मैं सदा स्वादिष्ट भोजन किया करता था और ब्राह्मणों को पर्युषित अर्थात बासी अन्न देता था, इसी हेतु को लेकर मेरा नाम पर्युषित पड़ा है। मेरे इस साथी ने अन्न आदि के अभिलाषी बहुत से ब्राह्मणों की हिंसा की है, इसलिए इसका नाम सूचीमुख पड़ा है। ये जो तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मण के याचना करने पर भी उसे कुछ देने के भय से शीघ्रतापूर्वक वहां से चला गया था, तो इसलिए उसका नाम शीघ्रक हो गया। ये चौथा प्रेत ब्राह्मणों को देने के भय से उद्विग्न होकर सदा अपने घर पर ही स्वादिष्ट भोजन किया करता था, इसलिए ये रोधक कहलाता है। तथा हम लोगों में सबसे बड़ा पापी जो ये पांचवा प्रेत है, ये याचना करने पर चुपचाप खड़ा रहता था या धरती कुरेदने लगता था, इसलिए इसका नाम लेखक पड़ गया। लेखक बड़ी कठिनाई से चलता है, रोधक को सिर नीचा करके चलना पड़ता है, शीघ्रक पंगु हो गया है, सूची हिंसा करने वाले का सुई के समान मुंह हो गया है तथा मुझ पर्युषित की गर्दन लंबी और पेट बड़ा हो गया है। अपने पाप के प्रभाव से मेरा अंडकोष भी बढ़ गया है तथा दोनों होठ भी लंबे होने के कारण लटक गए हैं। यही हमारे प्रेत योनि में आने का वृतांत है जो सब मैंने तुम्हें बात बता दी। यदि तुम्हारी इच्छा हो तो कुछ और भी पूछो, पूछने पर उस बात को भी बताएंगे। ब्राह्मण बोले, इस पृथ्वी पर जितने भी जीव रहते हैं उन सब की स्थिति आहार पर ही निर्भर है, अतः मैं तुम लोगों का भी आहार जानना चाहता हूं। तो प्रेत बोले, विप्रवर, हमारे आहार की बात सुनिए। हम लोगों का आहार सभी प्राणियों के लिए निंदित है, उसे सुनकर आप भी बारंबार निंदा करेंगे। बलगम, पेशाब, पखाना और स्त्री के शीर का मैल, इन्हीं से हमारा भोजन चलता है। जिन घरों में पवित्रता नहीं है वहीं प्रेत भोजन करते हैं। जो घर स्त्रियों के द्वारा दग्ध और छिन्न भिन्न रहते हैं, जिनके सामान इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं तथा मलमूत्र के द्वारा जो घृणित अवस्था को पहुंच चुके हैं, उन्हीं घरों में प्रेत भोजन करते हैं। जिन घरों में मानसिक लज्जा का अभाव है, पतितों का निवास है तथा जहां के निवासी लूटपाट का काम करते हैं, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। जहां बलि वैश्य देव तथा वेद मंत्रों का उच्चारण नहीं होता, होम और व्रत नहीं होते, वहां प्रेत भोजन करते हैं। जहां गुरुजनों का आदर नहीं होता, जिन घरों में स्त्रियों का प्रभुत्व है, जहां क्रोध और लोभ ने अधिकार जमा लिया है, वहीं प्रेत भोजन करते हैं। तात, मुझे अपने भोजन का परिचय देते लज्जा हो रही है, अतः इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता। तपोधन, तुम नियमों का दृढ़ता पूर्वक पालन करने वाले हो, इसलिए प्रेत योनि से दुखी होकर हम तुमसे पूछ रहे हैं, बताओ कौन सा कर्म करने से जीव प्रेत योनि में नहीं पड़ता? ब्राह्मण ने कहा, जो मनुष्य एक रात्रि का, तीन रात्रियों का तथा कृच्छ, चंद्रायन आदि अन्य व्रतों का अनुष्ठान करता है, वह कभी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। जो प्रतिदिन तीन, पांच या एक अग्नि का सेवन करता है तथा जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई है
वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जो मान और अपमान में, स्वर्ण और मिट्टी के ढेले में तथा शत्रु और मित्र में समान भाव रखता है वह प्रेत नहीं होता। देवता, अतिथि, गुरु तथा पितरों की पूजा में सदा प्रवृत्त रहने वाला मनुष्य भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता। शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन चतुर्थी तिथि आने पर उसमें जो श्रद्धापूर्वक श्राद्ध करता है वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। जिसने क्रोध को जीत लिया है, जिससे डा का सर्था अभाव है, जो तृष्णा और आसक्ति से रहित है, क्षमावान और दानशील है, वह प्रेत योनि में नहीं जाता। जो गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओं को प्रणाम करता है वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। प्रेत बोले, महामुनि, आपके मुख से नाना प्रकार के धर्म सुनने को मिले, हम दुखी जीव हैं, इसलिए पुनः पूछते हैं, जिस कर्म से प्रेत योनि में जाना पड़ता है वह हमें बताइए। ब्राह्मण ने कहा, यदि कोई द्विज और विशिष्ट ब्राह्मण शूद्र का अन्न खाकर उसे पेट में लिए ही मर जाए तो वह प्रेत बन जाता है। जो आश्रम धर्म का त्याग करके मदरा पीता है, प्राय स्त्रियों का सेवन करता है तथा प्रतिदिन मांस खाता है, उस मनुष्य को प्रेत होना पड़ता है। जो ब्राह्मण यज्ञ के अन्य अधिकारी पुरुषों से यज्ञ करवाता है, अधिकारी पुरुषों का त्याग करता है और शूद्र की सेवा में रत रहता है वह प्रेत योनि में जाता है। जो मित्र की द्रोहर को हड़प लेता है, शूद्र का भोजन बनाता है, विश्वासघात करता है और कूटनीति का आश्रय लेता है वे निश्चय ही प्रेत होता है। ब्रह्म हत्यारा, गौघाती, चोर, शराबी, गुरु पत्नी के साथ संग करने वाला तथा भूमि और कन्या का अपहरण करने वाला निश्चय ही प्रेत होता है। जो पुरोहित नास्तिकता में प्रवृत्त होकर अनेक ऋतिज्ञों के लिए मिली हुई दक्षिणा को अकेले ही हड़प लेता है उसे निश्चय ही प्रेत होना पड़ता है। विप्रवर प्रिथो, जब इस प्रकार उपदेश कर रहे थे उसी समय आकाश में सहसा नगाड़े बजने लगे, हजारों देवताओं के हाथ से छोड़े हुए फूलों की वर्षा होने लगी, प्रेतों के लिए चारों ओर से विमान आ गए, आकाशवाणी हुई, इन ब्राह्मण देवता के साथ वार्तालाप और पुण्य कथा का कीर्तन करने से तुम सब प्रेतों की दिव्य गति प्राप्त हुई है। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से उन प्रेतों का उद्धार हो गया। गंगानंदन, यदि तुम्हें कल्याण साधन की आवश्यकता है तो तुम आलस्य छोड़कर पूर्ण प्रयत्न करके सत्पुरुषों के साथ वार्तालाप और सत्संग करो। ये पांच प्रेतों की कथा संपूर्ण धर्मों का तिलक है। जो मनुष्य इसका 100,000 पाठ करता है उसके वंश में कोई प्रेत नहीं होता। जो अत्यंत श्रद्धा और भक्ति के साथ इस प्रसंग का बारंबार श्रवण करता है वह भी प्रेत योनि में नहीं पड़ता।